सिविल एविएशन अथॉरिटी ने 31 दिसंबर तक अंदरूने मुल्क शोबे एयर ट्रांसपोर्ट की कवायद जारी कर दी है। तमाम मुसाफिर और अमला दौरान परवाज मास्क पहनने और दीगर एसओपीस पर अमल दरामद का पाबंद होगा। मुसाफिर के अलावा दीगर अफराद के एयरपोर्ट लाउंज में जाने पर पाबंदी होगी। सिविल एविएशन के एलामिया के मुताबिक एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स मुसाफिरों के सिवा किसी फर्द को भी पार्किंग एरिया से आगे जाने से रोकने की पाबंद होगी। पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग में कोई शख्स बगैर मास्क दाखिल नहीं हो सकेगा, जबकि मुसाफिर के अलावा दीगर अफराद के एयरपोर्ट से लाउंज में जाने पर पाबंदी होगी। एलामिया में बताया गया है कि बोर्डिंग ब्रिज और डिपार्चर लाउंज में सामाजिक फासला यकीनी बनाना एयर मैनेजर की जिम्मेदारी होगी। एयरलाइंस ब्रीफिंग काउंटर और हर मुसाफिर को सैनिटाइजर फराहम करने की पाबंद होगी, जबकि तमाम मुसाफिर और अमला दौरान परवाज मास्क पहनने और दीगर एसओपीज पर अमल दरामद के पाबंद होंगे। एलामिया के मुताबिक मुसाफिरों की बोर्डिंग से पहले जहाज को एसओपीज के मुताबिक डिसइंफेक्ट करना लाजमी होगा। हर तैयारी में पीपीएस की मौजूदगी यकीनी बनाई जाएगी, जबकि केबिन क्रियो मुसाफिरों को हर घंटे बाद हैंड सैनिटाइजर देने का पाबंद होगा। एलामिया में कहा गया है कि डोमेस्टिक प्रवास के मुसाफिरों के लिए प्रोटोकॉल की पाबंदी होगी। एयरपोर्ट के तमाम हिस्से और जहाज में सवार तमाम अफराद पर मास्क के इस्तेमाल की शर्त लाजिम करार दे दी गई है। जहाज पर सवार होने और उतरने वक्त सामाजिक फासले, हैंड सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाना होगा।